सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भी प्रसन्न होइएगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इस व्याकरण की क्लास में हमारे सप्तम वर्ग के सारे बच्चे उपस्थित होंगे, ये मेरा विश्वास है। कल मैंने आपको सप्तम वर्ग के तो बच्चे उपस्थित थे ही, मेरे अष्टम वर्ग के बच्चे सारे इस क्लास में उपस्थित होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो कल मैंने आपको अव्यय पढ़ाना था, तो अव्यय का एक रूप क्रिया विशेषण कल पढ़ाया। उसके बाद कल मैंने आपको ये भी कह दिया था कि अगले दिन संबंध बोधक अव्यय पढ़ाया जाएगा, इसको पढ़ करके आइएगा तो भली भांति आप इस चीज़ को सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आइए, संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर, संज्ञा के पहले नहीं, संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समझ गए? जैसे जो अव्यय किसी संज्ञा शब्द के बाद में आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कराता है, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। राइट? समझ गए होइएगा? पुनः एक बार मैं कह देता हूं, वैसा अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर और उसका संबंध दूसरे शब्द के साथ कराता है, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह रोता रहा, तो वह तो करता है, संज्ञा है। रोता रहा द्विकर्मक क्रिया है, ये अति सॉरी दो क्रिया इसमें है, द्विक्रियात्मक वाक्य है ये, रोता भी और रहा भी। हम आपको पढ़ाए थे ऐसे वाक्य जिसमें दो क्रियाएं हों, नहीं दूध नहीं, इसका एक उदाहरण दिए थे कि दूध पीकर सो जाओ, तो पीना भी एक क्रिया है, सोना भी एक क्रिया है, वाक्य एक ही है, इसमें दो तरह की क्रियाएं। तो वैसे ही क्रिया इसमें है कि वह दिन भर रोता रहा, रहा भी एक तरह से क्रिया है, रोना भी एक क्रिया है। तो वह दिन भर रोता रहा में यही दिन भर एक ऐसा अव्यय शब्द है जो संज्ञा को अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का काम करता है। अब हो
गया वह दिन भर रोता रहा। दवा के बिना रोगी मर गया। एक तरफ है दवा और एक तरफ है रोगी मर गया, तो ये दोनों में कोई तालमेल नहीं है। संबंध बनाने के लिए बीच में एक अव्यय शब्द का प्रयोग करना होगा, के बावजूद या के बिना। तो दवा के बावजूद भी वह मर गया, एक वाक्य हुआ, या फिर दवा के बिना वह मर गया, यह भी एक वाक्य हो गया। तो जब संज्ञा के बाद वैसा अव्यय जो संज्ञा शब्द के बाद आकर उस दूसरे शब्द के साथ वह अपना उसका संबंध सूचित करता हो, उसे बताता हो, संबंध बताता हो, संबंध सूचित करता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए, दवा के बिना रोगी मर गया। बिना का संबंध किससे है? मरना है। अगर दवा मिल जाती तो रोगी नहीं मरता, तो दवा का संबंध है मरने से। वह दिन भर रोता रहा। मैं भर शब्द दिन का संबंध रोना से और रोना से बतलाया। दिन भर इसका संबंध किससे है? रोना से। वह रोता रहा कहां तक? दिन भर रोता रहा। तो ऐसे यही है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में संबंध बोधक किसी वाक्य में संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध उस वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता है। वह दिन भर रोता रहा, रामू रात भर जागता रहा। वह मेरे बाद कक्षा में आया, उसका मुंह चांद के समान है। वह मेरे घर के निकट रहता है, तुम मेरी अपेक्षा चतुर हो। तो यहां मेरे बाद, मेरे नहीं माने बाद, यहाँ बाद है, समान है, निकट है, अपेक्षा है। ये चारों शब्द जो हैं सो संज्ञा के बाद आकर और उसका संबंध वाक्य के किन्हीं अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का काम करता है, तो इसको हम संबंध बोधक अध्याय कहते हैं। संबंध बोधक काल, स्थान, साध्य, तुलना का बोध कराता है। तो अभी जो मैं आपको बतलाया, संबंध बोधक के भी भेद हैं। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर
और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, संबंध और अनुबंध। संबद्ध अनुबद्ध, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। मैं आगे चलता हूँ। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय जो है इसको पढ़ना है, जैसे कालवाचक ये भी संबंध जोड़ता है, वह मेरे पीछे पीछे चलता है। यहाँ पीछे पीछे क्या है, संबंध जोड़ रहा है, दो वाक्यों के या दो शब्दों के बीच संबंध जोड़ रहा। तो कालवाचक में आ गया, अर्थ के अनुसार इसके छह भेद नहीं बल्कि 12 भेद हैं। तो 12 भेद को तो दिमाग में रखना मुश्किल है, लेकिन ये नाम ही ऐसा है कि आप समझ लीजिएगा। आगे पीछे पहले बाद आजकल, ये कालवाचक में आ गया, नजदीक पास समीप भीतर बाहर, ये स्थान से संबंधित हो गया। सादृश्यवाचक, समान के तरह, उसकी कलम मेरी कलम के समान है, उसकी साइकिल मेरी साइकिल की तरह है, तो ये सब समान तरह तुल्य, ये सब सादृश्यवाचक है। तुलना करना अपेक्षा वनिष्पत, पता ना, इसके वनिष्पत, वनिष्पत नहीं होता। आप लोग कहते हो कि तुम्हारे वनिष्पत वह एक अच्छा लड़का है, नहीं, वनिष्पत नहीं होता, वनिष्वत क्या होता है, वनिष्वत होता है, वनिष्वत तुम्हारे वनिष्पत। तो वनिष्पत को ना पढ़ के वनिष्वत को पढ़ना है, वनिष्वत। विनिमय वाचक में अदला बदली करना, बदले जगह एवज। विरोधवाचक में उल्टा विरुद्ध विपरीत। विषयवाचक में भरोसे बाबत। व्यतिरेक वाचक में बगैर बिना सिवाय अलावा। दिशावाचक में ओर तरफ पार आदि। तो ये सब जो है इतना दिमाग में तो नहीं रखा जा सकता है, वाक्य को पढ़ने से ही, शब्द से ही हमें ज्ञान हो जाएगा कि विषयवाचक है, साधनावाचक है, कि दिशावाचक है, कि कालवाचक है, कि स्थानवाचक है, क्या है। अब आइए व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, मूल अव्यय और यौगिक अव्यय। मूल संबंध बोधक अव्यय बिना पर्यंत आदि, यौगिक संबंध बोधक अव्यय में वास्ते तुल्य पीछे आदि। इतने चीज पर कमांड करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, फिर भी करत करत अभ्यास ते जर्मति होत सुजान, है नहीं,
रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास से कोई भी चीज असंभव नहीं है। असंभव को संभव बनाना निरंतर अभ्यास से ही सिद्ध होता है। अतः आज की पढ़ाई आपकी यही स्थगित की जाती है, क्योंकि संबंध बोधक अव्यय जो है वो छोटा ही सा चैप्टर है, उसको मैं पढ़ा दिया और उसमें कोई क्रिटिकल बात नहीं है। इसलिए कल मैं आपको समुच्च बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय दोनों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज प्राय यही स्थगित की जाती है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।